तुम साबी को गलत समझ रही हो। एक बार उसे दोस्ती करके देखो तब पता चलेगा किस तरह की औरत है। ठीक है। तुम साबी और उसके पति को एक दिन अपने यहाँ डिनर पे बुलाओ। ये खाकी यूनिफॉर्म में कौन है? यहाँ पर वो गैस वाला बना है। ओह। ये लीजिए, ये देखिए। कैसे बातें कर रहे हैं देखा आपने? ये कब लिया? अरे तुझे क्या कर रहा है तू? अंदर जा। साबी, तू दुनिया को चाहे जितना बेवकूफ बना ले, लेकिन मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। हेलो केटी। ये क्या सुबह सुबह बच्चों का खिलौना लेके बैठे हो? अरे बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो बारिश का साउंड इफेक्ट है। राजस्थान में इसे बजा दो तो लोग सच मानेंगे कि बारिश हो रही है। वैसे तुम्हारे काम की एक चीज़ है इसमें, इतने बड़े घर में अगर चोर आ जाए तो तुम अगर इमरजेंसी अलार्म बजा दो तो भाग जाएगा। तकिए के नीचे से रख के सो जाओ, पता चला चोर आया इसे बजा दो डर के मारे भाग जाए। और जब वो भाग रहा है उस पर तुम गोली चलानी हो तो उसका फायरिंग साउंड इफेक्ट भी है यहाँ पे, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। डाए डाए। अब जरा मेरा भी साउंड सुनोगे? नहीं, तुम्हारा साउंड इसमें है नहीं। मेरा साउंड वहाँ नहीं, यहाँ है। कौन क्या कहना चाहती हो? वो लोग आज आ रहे हैं ना? कौन लोग? भूल गए? तुमने मिस्टर एंड मिसेस वर्मा को आज डिनर पे बुलाया है ना? सॉरी। सॉरी? व्हाट डू मीन बाय सॉरी? केटी तुम्हीं ने तो कहा था कि नेक्स्ट संडे यानी आज तुम उनको डिनर पे बुला रहे हो, फिर क्या हुआ? वो नहीं बुला सका। क्यों? तुम्हारी वो सावी ऑफिस नहीं आई थी क्या? सावी कल ऑफिस आई थी लेकिन मुझे उसे इनवाइट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं बिजी था। ओह, ऑफिस के बाद भी? वो जल्दी घर चली गई थी। ओह आई सी, तो फिर घर जाके उसे इनवाइट करते? कोई जरूरत नहीं थी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं सावी और उसके पति को यहाँ डिनर पर नहीं बुलाना चाहता हूँ। केडी, फिर मेरी सावी से दोस्ती कैसे होगी? क्यों दोस्ती करना चाहती हो तुम उससे? ओ, तुमने तो कहा था कि सावी से दोस्ती कर लो। ठीक है, तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि उससे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या सावी से तुम्हारा झगड़ा हो गया? ये सावी 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 क्या लगा रखा तुम? बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है। क्यों? आज का दिन मैंने सावी के लिए रिजर्व रखा था। पता है मैंने बच्चों को भी एसएल वर्ल्ड भेज दिया है मम्मी के साथ, डिनर का भी पूरा इंतजाम कर दिया है। ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना था वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी सावी तुम्हारे मर्जी के खिलाफ थोड़ी ही जाती है, और डिनर के बारे में तो बिल्कुल नहीं। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर सावी तुम्हारे साथ होटल में जा सकती है तो घर पर क्यों नहीं आ सकती? होटल में हम लोग क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए जाते हैं, एक दूसरे के मुंह में ठूसने के लिए नहीं। हेलो हेलो किटी, आई एम रियली वेरी सॉरी, कल तुम पहली बार हमारे घर आए और शाम को पहुंचे तुमसे जितना बात की। आई एम सो सॉरी, जानते हो तुम्हारे जाने के बाद शाम से मेरा इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि वो सभी मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। कल तुम सावी के घर गए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दो। क्या है?
कल तुम सावी के घर गए थे? गया था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, कल तुम पहली बार उनके घर गए और उसकी बुआ और हस्बैंड तुम्हारे साथ ठीक तरह से पेश नहीं आए, वो क्यों? ऐसी क्या बात है? पागल हैं उन्हें, किसी गलत फहमी का शिकार हो गए। गलत फहमी का शिकार हो गए, ओके ठीक है। आज उनकी गलत फहमी दूर कर ही देते हैं। कैसे? उनको डिनर पे यहाँ इनवाइट करके। चे, तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगी। क्या है उनका नंबर? पता नहीं। पता नहीं, रीडाल को तो पता होगा। वैसे भी आज सुबह से तुम्हारे अलावा किसी ने किसी को फोन भी नहीं किया है। हेलो। हेलो प्रोफेसर वर्मा, मैं मिसेस केटी बोल रही हूँ। जी कहिए। एक मिनट सावी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है। कहिए। वैसे आप आज शाम को फ्री हैं? क्यों? अगर आप फ्री हैं तो हमारे यहाँ आप चले आइए, जॉइन अस फॉर डिनर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ श्यामू। सभी आज शाम हमें डिनर पर जाना है। कहाँ? किटी के यहाँ। क्या? उसकी वाइफ ने इनवाइट किया है। उसकी वाइफ ने? मैं कॉलेज जाकर कुछ स्पेशल क्लासेस निपटा कर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, ठीक है? हेलो। हेलो केटी। सावी, come to the office between 1 and 2. कैंसिल कर दो केटी, ये डिनर कैंसिल कर दो प्लीज। नहीं हो सकता, अस्मिता नहीं मानेगी। केटी तुम समझते क्यों नहीं, मुझे डिनर पे इनवाइट करने के पीछे अस्मिता का जरूर कोई मकसद है। सो तो है, वो ये देखना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच महज दोस्ती है या और कुछ। और फिर भी तुम? सावी, जो भी होना है हो जाने दो। क्या हो जाने दो? तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने घर में क्या फेस कर रही हूँ। क्या फेस कर रही हूँ? जानते हो मेरी बुआ कल किस लिए आई थी? किस लिए आई थी? उन्हें किसी ने फोन करके कहा है कि मेरी तुमसे। मेरी तुमसे क्या दोस्ती है, यही ना? सिर्फ यही नहीं, और भी न जाने क्या कुछ कहा है। तो कहने दो, अगर हम दोनों का मन साफ है तो दुनिया की परवाह करने की हमें कोई जरूरत नहीं। किरी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि शाम को डिनर के वक्त अस्मिता और श्यामू हमसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं। नहीं केटी, केटी मैं तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज ये डिनर कैंसिल कर दो, वरना वरना मैं किसी बीमारी का बहाना बनाकर घर में रहूंगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सभी, मैं नहीं जानता था कि मैंने बीबी पब्लिसिटी को एक डरपोक औरत के हाथों सौंप दिया है। कसौटी का एक पल नहीं आया कि तुम्हारे पांव डगमगाने लगे। कल कंपनी में कोई क्राइसिस हुई तो तुम मेरा साथ कैसे दोगी? तुमसे अच्छी तो वो मानसी थी जो वक्त आने पे बीबी पब्लिसिटी को ठुकरा के जमन के साथ चली गई। मानसी से मेरी बराबरी मत करो केटी। ओके, आई एम सॉरी सावी। लेकिन मानसी जो भी है, जैसी भी है, परिस्थितियों का सामना करने की ताकत तो रखती है। सावी, तुम अगर आज शाम को आ जाती हो तो शायद ये गलतफहमी दूर हो जाए। अगर तुम नहीं आती हो तो अस्मिता का शक यकीन में बदल सकता है और हम दोनों फिर साथ कभी नहीं काम कर पाएंगे और तुम्हें वापस अपने चूल्हे चौकी की जिंदगी में जाना पड़ेगा। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन द पीपल अराउंड हिम।
इंसान की जिंदगी उसके इर्द गिर्द रहने वालों पर निर्भर करती है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये मैंने आंसर लिखा है, आप जरा चेक करेंगे? नो 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 धीरज, योर आंसर इज करेक्ट बट द मेथड इज रॉन्ग। वेट। अच्छा प्रतीक। यस सर। तुम इनको क्लासरूम में ले जाओ और मतलब समझा दो, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम कम बैक टू मी। ओके ओके सर। थैंक यू सर। धीरज, यू शुड नॉट आंसर अ क्वेश्चन विथ नेगेटिव एटीट्यूड। You should always say positively what you want to say. Is that clear? Sir. अब आ रही हो? Sorry sir. दरअसल मम्मी ने मुझे एक जरूरी काम के लिए रोक लिया था। क्यों, ये जरूरी काम नहीं है? हम लोग संडे के दिन आकर तुम लोगों को यहाँ पढ़ाते हैं, तुम्हें उसकी कोई कीमत नहीं है? I am extremely sorry sir. What sorry? और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम्हारी मम्मी ने स्पेशल क्लास में भी नहीं आने दिया तुम्हें? मुझे देखने आए थे सर। ओह, तो फिर तुम्हें सब कुछ माफ है। वो लोग अभी तक बैठे हुए हैं सर। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? Come on, go. Thank you sir. All the best. Thank you so much. सर, अभी आप और कोई एक्सरसाइज देने वाले हैं? नहीं धीरज, 5 बज गए, अब तुम लोग भी भागो। चलो चलो अब। ओके सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो। श्याम, बड़ी जल्दी निपटाया, लाइब्रेरी जा रहे हो क्या? नहीं मिश्रा जी, आज हमें डिनर पर जाना है। भाभी जी के फूफा जी के यहाँ? नहीं, साबी के बॉस के यहाँ। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था तुम नाराज हो जाओगे। नहीं मिश्रा जी, मैं नाराज नहीं हुआ हूँ, सच कह रहा हूँ, हम लोग साबी के बॉस के यहाँ जा रहे हैं। रादर सरप्राइजिंग। मेरे लिए भी, केटी की वाइफ ने इन्वाइट किया है। मिस दलाल को पता चलेगा तो आज की रात सोएंगे ही नहीं। ओ माय माय माय, ये स्पेशल क्लासेस भी नाक में दम कर देते हैं, संडे को भी रेस्ट नहीं। स्टूडेंट सुन लेंगे। तो क्या हुआ, उनका भी यही कहना है। बाय मिश्रा जी। हैप्पी डिनर श्याम। थैंक यू वेरी मच। हाँ, प्रोफेसर वर्मा डिनर पार्टी में जा रहे हैं। हाँ, उन्हें इनवाइट किया है उनकी बीवी के बॉस ने। क्या स्ट्रेंज, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? केटी इज अवर फैमिली फ्रेंड। बाय। हाँ फैमिली फ्रेंड, कल तक जिसका नाम सुनते ही प्रोफेसर वर्मा का मुंह सूख जाता था, आज वो फैमिली फ्रेंड बन गया। देखिए ना, अब आपको प्रोफेसर वर्मा को ताने मारने होंगे, तो किस बात को लेकर? शट अप। बहुत अच्छा खाना बना लेती है। कुछ मत कहो, वो लोग सुन रहे होंगे। थैंक्स फॉर कमिंग, मैं तो घबरा गया था कि तुम नहीं आओगी। छोटे, तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं आऊंगी। मैंने जो भी कुछ कहा दोपहर को तुमसे, वो तुमने अच्छा ही किया, मेरी आंखें खोल दी। खामोखा तुम डर रही थी अस्मिता से। नहीं केटी, मैं सही थी। तुम्हारी बीवी बहुत स्मार्ट और शूट है। कैसे? वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रही है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगातार ताने कस रही थी। लीजिए। या थैंक यू वेरी मच, खाना बहुत अच्छा था। It was too good. कितनी तारीफ करेंगे, सावी जी क्या सोचेंगी? सावी जी भी यही सोच रही हैं कि खाना बहुत बढ़िया था। और अब आपको आना है हमारे यहाँ। ओह श्योर श्योर। वैसे आप खाना बनाती हैं? मेरा मतलब आपके यहाँ तो बावर्ची होगा ना? है ना, एक बहुत ही अच्छा बावर्ची है।
और मजे की बात है कि तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। अच्छा, तो हमें भी कोई ऐसा बहुत चीज लाइए ना। बताइए कब से ज्वाइन करूं? मतलब आप हमारे घर में तो मैं ही बावर्ची। ये लोग तो अक्सर होटल में ही खाना खाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। बिजनेस है। बिजनेस बिजनेस का तो बहाना है। वैसे एक बार होटल में खाने की आदत पड़ जाए ना आदमी को, तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता। वैसे घर काफी अच्छा सजाया है आपने। आइए प्रोफेसर साहब, मैं आपको हमारे घर दिखाता हूँ। अच्छे हैं प्रोफेसर वर्मा जी। थैंक यू। यू लव हिम? ऑफ कोर्स आई लव हिम। झूठी कही की लायर जी। केटी से दूर रहो वरना पछताओगे। थैंक यू। वार्निंग। मेरे मेडिटेशन की खिल्ली मत उड़ाओ। तुम जाओ यहाँ से। जी। मैं तुम्हारी खिल्ली नहीं उड़ा रही हूँ, बल्कि बढ़ावा दे रही हूँ तुम्हारी इस नई रणनीति को। सुबह सुबह ताने मत कसो। ओह आई एम सॉरी, ताने तो हमेशा रात को कसने चाहिए, और खास तौर पर जब आप किसी के घर में डिनर पर हो। सावी लगता है आज तुम्हारा मूड लड़ने का है। मूड तो मेरा तुमसे बात करने का भी नहीं है, और ना ही मेरे पास वक्त है। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। कैसी सलाह? अपनी ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस जारी रखना, इससे तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग्स काबू में आ जाएंगी। अच्छा, तब तो इसकी मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हाँ, वो तो कल मैंने देख ही लिया केटी के यहाँ किस तरह से तुमने मुझे उसकी बीवी के सामने जलील किया, नीचा दिखाया। देखो सावी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। बस और कुछ मत कहो, वरना मेरा तुमसे बहुत झगड़ा हो जाएगा कि तुम। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। Now don't talk to me anymore. मैं जा रही हूँ। और हाँ, अपने ये ध्यान का नाटक जारी रखना, शायद यही सबके लिए ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि ध्यान लगाने से मुंह भी बंद रहता है और आंखें। जिसकी जुबान में कड़वाहट हो और नसों में खोट, उसका मुंह और आंखें बंद रहे तो ही अच्छा। ये अच्छी बात है कि आप चेंजेस चाहते हैं, तो आप हमें बताइए जो भी चेंजेस आप चाहते हैं, आपके विजुअल्स में, आपके इलस्ट्रेशंस में, कॉपी राइटिंग में, या आपका जनरल कॉन्सेप्ट अगर आपको चेंज करना है, तो यू टेल अस एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो गया। सर मैनेजमेंट चेंज हो गया है, आपको शायद नहीं मालूम है, लेकिन मैं कृष्णकांत त्रिवेदी हूँ, दिल्ली के मशहूर त्रिवेदी इंडस्ट्रियल ग्रुप का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और मैंने ही बीबी पब्लिसिटी को अडॉप्ट किया हुआ है। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस बारे में कुछ सोचें, हमें मौका दें। जस्ट गिव अस वन। हेलो सर, हेलो सावी। हेलो
एक बहुत बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से जा रहा है। इजेरी एंटरप्राइजेस के मिस्टर जमनादास को तुम जानती हो? हाँ, सालाना 5 करोड़ का बिजनेस हमें सिर्फ जेडी एंटरप्राइजेस से मिलता है। मिलता था, इस साल वो लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाले हैं। क्यों? ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने कभी उस पार्टी से डील नहीं किया। तो कौन करता था? इस कंपनी में कोई तो सेठ जमनादास को जानता होगा। ये मानसी की पार्टी है। आई सी, अब समझ में आया कि जमनादास हमारे साथ कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते। शायद मानसी ने ये क्लाइंट न्यू एरा पब्लिसिटी की ओर खींच लिया। आई डोंट थिंक मानसी कभी ऐसा करेगी। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि जमनादास हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते? मैं अभी पता कर लेती हूँ, मानसी को फोन करके पूछ लेती हूँ कि बात क्या है। कहाँ जा कर रही हो? मानसी को तुम यहाँ से कांटेक्ट कर सकती हो। I'm sorry, केटी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे केबिन में बैठकर ऑफिस का कोई भी काम हो सकता है। बुरा मान गई? किस बात का? यही अभी जो मैंने कहा वो। No. After all, you're my boss. सावी, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। केटी, इट्स अ फैक्ट दैट यू आर माय बॉस एंड आई एम जस्ट योर एम्प्लॉय। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अभी तुमने गुस्से में आकर मुझे कुछ कहा, बल्कि ये हकीकत है और इस हकीकत को मैंने अपने जहन में रखने का फैसला कर लिया। कब से? कल रात से। सॉरी, आई एम सॉरी। कल रात जो भी अस्मिता ने किया वो ठीक नहीं था, मैंने उसे कहा भी। केटी, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। आइंदा मुझे अपने घर मत बुलाना। और हाँ, मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद हम सिर्फ काम से मतलब रखेंगे, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मेरा टेबल और केबिन तुमसे अलग होना चाहिए। हसरते हसरते